आग लगेगा तो भागेगा ना। अभी अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग इधर एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल करके हम लोग किया, सही है ना। तो ये क्यों किया बोलेगा तो हम लोग का कानून, जो दुबई का सिविल डिफेंस का कानून है, वो बोलता है जो भी आदमी लोग कैंप में रहते हैं वो आदमी को कैंप का इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में, हम लोग तबीयत सही नहीं है मतलब कुछ इमरजेंसी हो गया, ज़्यादा बीमार है, उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना है, ऐसा सिचुएशन में हम लोग को इमरजेंसी करके डील करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसके बारे में अभी बात करेंगे। कुछ आग लग गया तो आपको मालूम है कैंप का अंदर आप लोग खाना बनाता है, लेकिन रूम का अंदर खाना बनाना अलाउड नहीं है। तो और हमारा खाना बनाने के लिए हम लोग गैस का इस्तेमाल करता है, और हम लोग का रूम में, हर रूम में बिजली का पोर्ट नहीं कर रहे बोलते। तो जनरली आदमी लोग क्या करते हैं, असल इमरजेंसी होने के टाइम में, अभी इमरजेंसी सायरन सुनेगा तो आदमी लोग क्या सोचेगा, ये कुछ खराब है इसके लिए सायरन हो रहे, सही है ना। नहीं तो उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, दूसरा ऐसा फालतू नहीं लोग कर रहे, कुछ टेस्टिंग कर रहे, ऐसा करके आदमी लोग सोचेगा। कभी भी इधर भी आप जाएगा इमरजेंसी सायरन सुनेगा तो आप ये नहीं सोचने का वो फॉल्स सायरन है, नहीं तो वो गलत सायरन है, नहीं तो टेस्टिंग करते, ये कभी नहीं सोचने का। हमेशा आपको ये कोई इमरजेंसी, रियल इमरजेंसी करके सोचने का और तुरंत उधर से इवैक्यूएट करने का, सही है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस 5 मिनट में बोर्ड खत्म करेंगे। कोई भी ऐसा सायरन सुनेगा तो सबसे पहले आप जो भी करता है रूम का अंदर उसको बंद करके सीधा बाहर आने से, सही है ना। आदमी लोग रियल इमरजेंसी में क्या होता है, आग पकड़ा है बिल्डिंग में, सबसे पहले अपना फोन ढूंढने जाएगा, सही है, बाद में पैसा रखा है उसको ढूंढने के लिए जाएगा, सही है। और नहीं तो आपका कभी आपका पिट्टी का अंदर आपका बीपी सबसे पहले आपको जो भेजा वो लेटर है और नहीं वापस नहीं लेके जाएगा तो वो मारेगा बोल के वो लेने के लिए जाएगा, सही है। तो ऐसा ऐसा मतलब आपका कीमती वाला चीज़ बहुत है, आप लोग वो लेने के लिए जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी भी कुछ इमरजेंसी, रियल इमरजेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट आपका लाइफ है, सही है। आपका जिंदगी रहेगा, कल आप दूसरा नया मोबाइल पकड़ सकते हैं, सही है, नहीं तो दूसरा नया वॉलेट पकड़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, दूसरे से आप भी कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपको आपका जान का इम्पोर्टेंस है, इसलिए इमरजेंसी बेल सुनेगा, इमीडिएटली आप बाहर आने का, और बाहर आके असेंबली पॉइंट, हमारा कैंप का असेंबली पॉइंट यही है, इधर खड़ा रहने का। हमारा कैंप में कितना आदमी रहता है करके लिस्ट अपना सिक्योरिटी के पास है, अपने इसमें का कैंप बॉस के पास है, वो आके चेक करेगा और चेक करके आपको काउंट करेगा, बाद में हम चेक करेंगे कोई आदमी इसके अंदर फंसा हुआ है कि नहीं। यदि फंसा हुआ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिफेंस को साइमल्टेनियसली हम लोग इन्फॉर्म करेगा, जैसे इधर सायरन बचाता है उसका साथ साथ हम लोग सिविल डिफेंस वालों को भी इन्फॉर्म करता है, वो लोग रेस्क्यू के लिए आएगा, सबसे पहले हम लोग बोलेगा रूम फलाना फलाना रूम में इतना आदमी फंस गया था, सही है। अभी कुछ आइडिया मिला है ना, सही है। अभी कुछ रियल इमरजेंसी होने के टाइम में आप लोग एक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, ओके। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए, हम लोग अभी कैंप का कैंप में अभी आप देखोगा पहले से भी थोड़ा सफाई वगैरह कर रहे हैं, और कैंप का कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट हम लोग कर रहे हैं, सही है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए उसका कुछ भी फैसला करें, सही है। तो एक नया सिस्टम कर रहे हैं हम लोग कैंप के लिए, और दूसरे आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं तो कैंप में आपका रूम में कोई प्रॉब्लम है, अपना कैंप हाउस है, अपने रसा भाई है, उन लोगों के साथ बात करने का, नहीं तो साइट में सेफ्टी को इन्फॉर्म करने का, सही है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग ये नहीं आप लोग कंप्लेन कर सकते, ऐसा नहीं, सब एक टीम है, एक परिवार है, सही है। बोलो यारा डाल दो, थोड़ा उजाला आया हुआ है। अंधेरा ज्यादा है, हम सोचे होगा तो मोबाइल से बनाएंगे अच्छा, सही कहा रमेश भाई।